नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं वह विषय है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि मैं इस पर बहुत ही संक्षिप्त रूप में आज बात करूँगी, बाद में हम कभी इस टॉपिक को, इस विषय को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था हिंदी साहित्य पर, वो लिखा था प्रोफेसर गारसादर तासी ने, यद्यपि यह इतिहास ग्रंथ फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था। प्रोफेसर गारसादर तासी ने इस्तवार द लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा। गारसादर तासी का यह ग्रंथ काल क्रमानुसार न होकर कवियों के वर्णानुक्रम से है। और इतिहास की ग्रंथ की पहली शर्त क्या होती है? इतिहास ग्रंथ की पहली शर्त है कि उसमें कवियों का जो वर्णन है वो काल क्रमानुसार हो। और वर्णानुक्रम का प्रयोग कहाँ होता है? वर्णानुक्रम का प्रयोग तो शब्दकोश में होता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। इतिहास ग्रंथ मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसके अंदर इतिहास किसने सबसे पहले लिखे हिंदी साहित्य के, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ था वो एक फ्रांसीसी विद्वान गारसादर तासी के द्वारा लिखा गया था। क्योंकि ये फ्रांसीसी था तो इसने फ्रांसीसी भाषा में यह जो ग्रंथ था वो लिखा था। बाद में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। इसके बाद मौलवी करीमुद्दीन ने तब का शुरा या तज कीरा ईशु अराई हिंदी नामक ग्रंथ लिखा, जो सन 1848 में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1000 कवियों का उल्लेख है, जिसमें केवल 60 या 62 हिंदी के कवि हैं। आगे शिव सिंह सरोज की रचना की, इनका इतिहास ग्रंथ था वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था? शिव सिंह सरोज नाम से इनका इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, जो प्रथम बार सन 1878 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं। इसमें कवियों का उल्लेख अकारादि क्रम से है। शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहते हैं, तो शिव सिंह सरोज को कहते हैं, ठीक है। और ये किसका ग्रंथ था? शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ था। अगला है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सर्वाधिक सहायता कौन से ग्रंथ से ली थी? शिव सिंह सरोज से ली थी। 951 कवियों में से 886 कवि शिव सिंह सरोज से ही लिए गए हैं, केवल 63 कवि अन्य स्रोतों से लिए गए हैं। इस रचना का प्रकाशित समय 1888 है। डॉक्टर जीएसएन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इससे पहले शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, उसके पहले मौलवी करीमुद्दीन का तज कीरा इशु अराई, और उससे पहले सबसे पहला इस्तवार दल्ला लिटरेचर एंड्री एंडस्तानी फ्रांसीसी विद्वान गारसादर तासी ने लिखा था। इसके बाद डॉक्टर जीएसएन के बाद हम पढ़ेंगे पंडित मिश्र बंधु जो थे, जो तीन भाई थे। तीन भाई कौन कौन से थे? पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों सगे भाई थे और मिश्र बंधु के नाम से रचना करते थे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास तीन भागों में प्रकाशित करवाया। पहले तीन भाग 1913 में प्रकाशित हुए और इसका चौथा भाग जो था वो 1934 में प्रकाशित हुआ। कहीं कहीं 1914 भी मिलता है लेकिन गलत है, इसका चौथा भाग जो है वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल मिलाकर 4591 कवियों का उल्लेख है, यानी लगभग 5000 के करीब कवियों का और लेखकों का विवरण है। इस रचना का प्रकाशन वर्ष सन 1883 है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने पहले नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो बाद में जनवरी 1929 में एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था सबसे पहले इसको, और बाद में 1929 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर जीएसएन के साहित्यिक ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है।
सूर्यकांत शास्त्री द्वारा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा गया, श्याम सुंदर कृत हिंदी भाषा और साहित्य लिखा गया, रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखे गए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया जो कि रीतिकाल तक ही लिखा गया है, यानी कि इतिहास ग्रंथ जो है वो अधूरा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया, राम खिलावन पांडे द्वारा हिंदी साहित्य का नया इतिहास और वासुदेव सिंह कृत हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ लिखे गए। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा, सुमन राजे ने लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। सूर्यकांत शास्त्री का हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा और साहित्य, रामचंद्र शुक्ल का आप सभी को पता ही है हिंदी साहित्य का इतिहास, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, हिंदी भाषा और साहित्य, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वासुदेव सिंह का हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कौन सा ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम कभी इस पर विस्तृत रूप से विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।